जबलपुर प्रवास पर आई खेल एवं युवक कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे उस वक्त भड़क गई जब मीडिया ने उनके सामने पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी का नाम ले लिया। जीतू पटवारी का नाम सुनते ही उन्होंने मीडिया पर सवाल दाग दिया कि जीतू पटवारी के पहले कौन था। देखिए ये खास रिपोर्ट। जीतू पटवारी के नाम पर भड़की यशोधरा राजे, मीडिया पर ही दागा सवाल, बोली पटवारी के पहले कौन था। जबलपुर प्रवास के दौरान मंत्री यशोधरा राजे मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान मीडिया के एक सवाल पर उनको गुस्सा आ गया। मीडिया ने जब पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी का नाम लिया तो उन्होंने मीडिया पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि शायद आप हमारे साथ पहले नहीं थे, पटवारी जी की बात करते हो तो उसके पहले कौन था और उसके पहले कौन था। उन्होंने गतिविधियों पर बात करने की समझाइश दे दी। मंत्री व पूर्व मंत्री के बीच की दरार इस वाक्य से नजर आ रही है। वर्तमान में पीछे पहले भी जीतू पटवारी जी खेल मंत्री थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किया। अब वर्तमान में आपका क्या उद्देश्य, क्या मोटिव है आपका पूरा खेल? शायद आप पहले फिर मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि अब आप पटवारी जी की बात करते हो तो उसके पहले कौन था, तो उसके पहले कौन था, तो उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था और उसके पहले कौन था फिर। तो ऐसे आप ऐसे बातें करो जो गतिविधियां की बात है, क्या हम करने आ रहे हैं। अपने जबलपुर प्रवास के दौरान उन्होंने खेल गतिविधियों का जायजा लेते हुए रानीताल खेल स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा जबलपुर एक बड़ा सेंटर है, आगे के प्लान पर चर्चा की है ताकि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर बड़े सेंटर है। नगरीय प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक करने के साथ उनके द्वारा स्पोर्ट्स की गतिविधियों में मदद करने की बात कही। जबलपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है, आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी बहुत बड़ा सेंटर है। और हम यही बात कर रहे थे गाड़ी में कि हमारी 50 करोड़ की कट तो हो गई हमारी बजट में, पर हमें आगे के लिए तो प्लान करना चाहिए। अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होना चाहिए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ताकि हम भी ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये तीन आपके बड़े सेंटर्स हैं, तो हर सेंटर में गतिविधियाँ कोशिश होनी चाहिए बराबर की, कि अगर भोपाल में ये ऐसी चीज़ें हैं तो फिर जबलपुर में हम क्या दे रहे हैं। तो हम वही बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि नगरीय प्रशासन अपना काम कर रही है, स्पोर्ट्स में भी कुछ काम कर रही है, तो हम लोग एक संयुक्त मीटिंग लेना चाहेंगे उनसे कि आप लोग अपनी स्मार्ट सिटी के अंदर क्या स्पोर्ट्स की गतिविधियां करना चाहते हो, ताकि हम आपको अपना अनुभव दे सकते हैं, अपनी जो चीज़ें की जो हम पूरी तरह से जानकारी रखते हैं वो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को सिंक्रोनाइज करके यूज़ करें, ना कि हम अलग चलें और वो अपने स्पोर्ट्स के लिए अलग चलें। तो आज हमारा उद्देश्य ये था कि क्योंकि मैं आ रही थी यहाँ, तो मैंने हमारे डायरेक्टर जनरल डीजी, डायरेक्टर साहब और सब अपने लोगों को मैंने बुलाया यहाँ, ताकि हम इसको रिव्यू करें कि जबलपुर अगर इतनी बड़ी जगह है तो हम उसके लिए उसी तरह से हम यहाँ भी क्या गतिविधियाँ कर सकते हैं बजटरी अलाउंसेस देखने के बाद, और अपना ब्लूप्रिंट क्या बन सकता है, ताकि जो भी मेरे बाद आए वो गतिविधियाँ कम ना हो और वो ब्लूप्रिंट के मुताबिक चले। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्री के सामने पूर्व मंत्री का नाम आने पर तो नाराजगी दिखाई दी है, वहीं जबलपुर को खेलों की गतिविधियों को बढ़ाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, जबलपुर।